मतलब जो जी की रेस है ना hmm. उसने तालीम को कमजोर कर दिया तो हमने टैलेंट को बंद करने की कोशिश की है इधारों में और फिर जी में टैलेंट इससे बहुत बड़ा है गूगल स्टॉप लुकिंग एट डिग्रीज एक्टली स्टार्ट लुकिंग एट टैलेंट बट एट आई एम नॉट डिग्रीज आर नॉट इम्पोर्टेंट सबसे बड़ा मसला हमारा फ्लॉड असेसमेंट सिस्टम है मतलब जो इदारा ह्यूमन रिसोर्स में ये सोच के इन्वेस्ट करता है ना कि अगर ये चला जाएगा तो क्या होगा उसे ये सोचना चाहिए कि अगर वो नहीं जाएगा तो, तो क्या, क्या हो? होगा ब्यूटीफुल क्योंकि वी आर स्टिल हम फंसे हुए हैं एक ग्रीड ड्रिवन कैपिटलिस्ट सिस्टम में जो बड़े इदारे हैं जिन्होंने ग्रो किया है वो अपनी ह्यूमन रिसोर्स की वेलबींग well की अहमियत को समझते हैं hmm. जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स की तरफ देखते हैं वो एक्सप्लोइटेटिव होते हैं जो एक्सप्लोइटेटिव वर्ल्ड कल्चर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे मेंटल वेल वेलबींग है ना वो कितनी क्रिटिकल है इसका तो हमें एहसास ही नहीं है और साइलेंट किलर है ना नज़र नहीं है। आती है पर बहुत दुख देती है हमारी पेरेंटिंग में भी कहीं फ्लॉ आ गया है ना हम वो सिग्नल्स पिक नहीं कर पाते जब बच्चे का हाथ टूट जाता है तो आप टूटा हाथ तो नहीं रहने देते ना sure. तो मुझे लगता है कि जिस तरह आपने करियर मैंटोरिंग की बात की थी ना इसी तरह मेंटल वेलबींग well Yeah, कि exactly. option, uh, में भी होनी चाहिए और में भी होनी चाहिए थैंक यू सो मच टू एजुकेशन सेक्टर ऑर्गनाइजेशन डेवलपमेंट ने काफी काम किया वेरी आप अपनी जर्नी को सम अप कर सकेंो लार्जली पीपल वी मी एज आई एम टूडे बट दिसंटन इन डे So, if I look back, my journey is not about being a part of the education industry. My journey is about women empowerment. Lovely. So, I'm a person who got married young, had children, uh, waited for eight years before I got into the industry and since then it has been no looking back so there's a favorite sentence that i use when i talk about my journey is and this has come out from my interaction with female students both at karachi university and iba so a lot of time you know these young girls very young girls beautiful girls totally committed to their education <laughs> would come to me and say madam miri shadi oria and i would actually turn around and say Ki shadi hai, hora. and takali uh, and your uh, academic journey एंड योर करियर्स शूड कंटिन्यू तो एक जो मैं मैसेज शायद देना चाहती हूँ वो ये कि uh, हमारी बच्चियाँ वर्क फोर्स में तो आ रही हैं बट वेन दे कम इन टू द वर्क फोर्स दे टेक अप जॉब्स एंड दे डोंट टर्न देर जॉब्स इन टू करियर्स एंड अ लॉट ऑफ वुमेन ऑप्ट फॉर एजुकेशन एज अ पार्ट टाइम कमिटमेंट कि कम आवर्स में काम हो जाए और हम घर चले जाएँ एजुकेशन इज़ अ करियर इट्स अ फुल टाइम कमिटमेंट एंड दैट्स हा आई टेक इट और जर्नी की जो आपने बात की ना क्योंकि यहाँ बहुत सारी बच्चियाँ होंगी जिनसे मेरा दिल चाहता है मैं ये बात करूँ मेरी अकेडमिक जर्नी मॉन्टेसिरी से शुरू हुई थी आई टॉट इन अ मॉन्टेसिरी देन आई कैरिड ऑन विद माई एजुकेशन तालीम भी उस वक्त पूरी नहीं थी ना, शादी जल्दी हो गई थी तो True. तालीम भी uh, जो थी कम थी शादी के बाद पढ़ा बच्चों के साथ पढ़ा और फिर यूनिवर्सिटी ज्वाइन की फिर आगे हायर एजुकेशन की सो नथिंग इज़ नॉट पॉसिबल ये मेरा दिल चाहता है मैं बच्चियों से कहूँ तो व्हेन आई सी माई करियर जर्नी आई ऑल्सो ऑप्टेड फॉर एजुकेशन बिकॉज आई थाट कि इसमें घर और बच्चे और काम सब चल जाएगा बट इवेंचुअली टर्नड इन टू फुल टाइम करियर एंड नाउ आई थिंक इवन मोंटेसिरी टीचिंग इज़ फुल टाइम करियर टीचिंग इज़ अ फुल टाइम करियर एजुकेशन हैज़ अ करियर ट्रिजेक्ट्री और एक और जुमला मेरा बहुत दिल चाह रहा है मैं आपसे कहूँ मुझसे लोग ये कहते थे कि जो जिनको करना नहीं आता वो पढ़ाना शुरू कर देते hmm. तो मेरे ख़्या इस माइंड सेट से भी बाहर निकलने की ज़रूरत है True. आजकल पढ़ाने वाले इंडस्ट्री में भी हैं आजकल पढ़ाने वाले का अगर इंडस्ट्री से अच्छा इंटरफेस नहीं है तो वो अच्छी तालीम नहीं दे सकते तो सीरियस पैराडाइम शिफ्ट है जो तालीम के केजेक्ट्रीज में आया है और उस आ, मेरे ख़्याल शिफ्ट को हमें लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है एजुकेशन चाहे किसी भी लेवल पर हो फुल टाइम करियर बन सकता है और रिटर्न्स भी हैं आप और उसमें डाइवर्सिटी भी बहुत है आप वर्कशॉप्स कर सकते हैं आप कॉपरेट ट्रेनर बन सकते हैं आप रिसर्च कर सकते हैं सो देर इज सो मच दैट यू कैन डू जिसके बारे में शायद हम बात नहीं करते टीचिंग इज़ नॉट जस्ट गोइंग टू द क्लास रूम एंड कमिंग आउट Brilliant, brilliant. Uh, देखा जाए आज के हमारे माशरे में एक चीज़ जो कि बहुत मिसिंग है बहुत लैक करती है यू है वेरी वास्ट एक्सपीरियंस एंड रियलाइज के मेटोरिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेट होता है ह्यूमन डेवलपमेंट में आई थिंक आपकी भी कुछ मैंटोर्स रह होंगे जिन्होंने आपको आज एक सक्सेसफुल डेवलपमेंट में मदद करी uh, आप क्या समझते हैं कि मेन्टोरिंगशिप का कॉन्सेप्ट आज के दौर में कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरफ मैंटोरस की तरफ देखें किस तरह लोग अपने मेटोर्स को डेवलप करें कहाँ ढूंढे अपने मेटोर्स को एक तो आई आई थिंक इट्स क्रिटिकली इंपॉर्टेंट इस बारे में तो शायद कोई दो राय हो ही नहीं सकती बट आई थिंक दो तरह की मैंटोरिंग होती है एक तो आपको करियर मैंटोर्स मिलते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर करियर ट्रिजेक्ट्रीज़ लेकिन मेरा ख्याल है कि जो जो मुझे बहुत अहम लगता है वो ये कि ये जो 18-19 साल की उम्र का बच्चा होता है ना जो जिसके कंधों पर आप ये बोझ डाल देते हैं कि तुम अपनी करियर की डायरेक्शन पिक करो तुम 18-19 साल की उम्र में ये डिसाइड करो कि तुम्हें डॉक्टर बनना है तुम्हें इंजीनियर बनना है तुम्हें कॉमर्स uh, में जाना है ये मेरा ख़्याल बहुत बड़ा बोझ है और फिर ये इन्फॉर्म डिसशनस नहीं होते ना uh, अच्छा फैसला वो होता है जो इन्फॉर्म्ड हो जिसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो कभी पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कभी हर कोई फैमिली में कुछ कर रहा है तो डॉक्टर्स फैमिली शुड बिकम अ डॉक्टर वहाँ पे जो अवेयर घर आने हैं वहाँ तो चेंज आ रही है और जो बच्चे की अपनी शौक़ पसंद है उसको हम फैक्टर इन करें क्योंकि सक्सेस क्या है ना सक्सेस को को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है ना please, please. मेरे ख्याल सक्सेस ये है कि यू इंजॉय वॉट यूर डूइंग

एक्सेलेंस आओगे तो फिर सक्सेस और material, और मटेरियल सक्सेस भी hmm. मतलब हम कैपिटलिस्ट uh, दुनिया में रहते हैं तो हम हर चीज़ को पैसे से नापते हैं ना कि आप कितना इससे गेन कर सकते हैं। जब आप एक्सेलेंस एक्वायर करते हैं तो फिर पैसा भी आपके पीछे भागता है और काम भी आपके पीछे भागता है तो मेरे ख्याल अगर हम इस तौर तो, में करने लगे बच्चों को कि गो आफ्टर योर पैशन जिस और पैशन क्या है कि जब आप वो काम करना शुरू करें तो आपको भूल जाए कि कितना वक्त वक्त कैसे गुजरा जब इस ये पैशन है कि जब आप वो काम शुरू करें तो आप घड़ी ना देखें कि ये कब खत्म होगा आपको एहसास हो कि शाम हो गई और मुझे अभी भी मजा आ रहा है दैर इज पैशन तो अगर हम ये मैंटोरिंग बच्चों की करें तो फिर आपके पास हर जगह एक्सेलेंस होगी ना और फोर्स वर्क नहीं होगा मैंडेटरी वर्क नहीं होगा मंडे ब्लूज नहीं होंगे सो आई थिंक ये गिव शिफ्ट और दिस इज दिस इज वॉट ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी इज टॉकिंग अबाउट वो ये कहते हैं कि वो किताब है ना वो कहते हैं इट्स नॉट अबाउट लर्निंग और इट्स अबाउट अनलर्निंग मैं hmm. एक हज़ार ऐसे जो लोगों को जानती हूँ जिन्होंने वालदेन की वजह से इंजीनियरिंग की और कुछ और किया और अब वो शायरी कर रहे हैं और बहुत अच्छा ही कर रहे हैं और अब वो फैज पर किताबें लिख रहे हैं और बहुत अच्छी लिख रहे हैं सो आई थिंक जस्ट द होल आइडिया ऑफ अलॉइंग द चाइल्ड टू ब्लॉसम अगर कोई मैथ बहुत अच्छा नहीं पढ़ता तो हो सकता है उसके अंदर कोई पेंटर हो True. ठीक है ना सो आई थिंक बेसिक लेवल आठवीं नवी तक बेसिक अच्छी फाउंडेशन और उसके बाद द एबिलिटी टू डिवेलप द चाइल्ड टू ऑप्ट फॉर फॉर समथिंग दे लव इसीलिए अगर आप अगर बात थोड़ी सी लंबी हो रही है जो इस वक्त इंटरनेशनल अंडरग्रेज प्रोग्राम है hmm, वो जनरलाइज्ड है वो आपको बहुत एक्सपोजर देता है ताकि फिर आप मास्टर्स लेवल पर अपने आप को स्पेशलिटी की तरफ़ जाएं, स्पेशल special, स्पेशलाइजेशन की तरफ़ जाएं, और मैं ये भी कहती हूँ कि आप इंटर मतलब जब आप अंडरग्रेड करें उसके बाद आप दो साल काम करें एक्सप्लोर योर सेल्फ डिस्कवर योर सेल्फ एंड देन परसू अ मास्टर्स और फील्ड्स चेंज करना ये फैसला करना कि दो साल बाद मुझे कुछ और करना है इसमें कुछ गलत नहीं है

पर्सनली uh, स्पीकिंग मैं खुद भी डिफरेंट डिफरेंटारों के साथ एजुकेशन सेक्टर में काम कर तो रहा था बट ये सवाल मेरे जहन में आता है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू कीप द मोस्ट इंपॉन्टिंग मोस्ट इम्पॉटेंट आपने प्रायोरिटाइज करना होता है चीज़ों को आपकी निगाह में इस वक्त सबसे बड़ा मसला हमारे एजुकेशनल अदारे क्या फेस कर रहे हैं जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे ख्याल जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमने स्टूडेंट्स uh, को के जहन में ये बात बिठा दी है दैट दे हैव टू गेट गुड मार्क्स मतलब जो जी की रेस है ना hmm. उसने तालीम को कमज़ोर कर दिया द प्लेजर इज़ नॉट इन लर्निंग द प्लेजर इज इन कॉम्पिटिशन एंड द प्लेजर इज इन बाई हुक और बाई क्रुक वेदर इट इज़ पास पेपर्स वेदर इट इज़ अनफॉर्चुनेटली चीटिंग वेदर इट इज़ एनी थिंग एल्स एनी वे कि मेरा जी पी ए जो है वो थ्री पॉइंट फाइव हो जाए और फिर वो री इन्फोर्स करता है हमारा इंडस्ट्री uh, तो हमने टैलेंट को बंद करने की कोशिश की है इधारों में और फिर जीपीए में टैलेंट इससे बहुत बड़ा है और जो लोग इसकी तरफ जाते हैं आप देखते हैं कि वो उनकी उनकी ग्रोथ रिजेक्ट्रीज बहुत अच्छी फॉर एग्जांपल गूगल इस टॉप लुकिंग एट डिग्रीज एक्टली द स्टार्ट एड लुकिंग एट टैलेंट बट एट द सेम टाइम आई एम नॉट सेइंग डिग्रीज आर नॉट इम्पोर्टेंट वी कम बैक टू वट आई सेट अर्लियर लेट पीपल डू वट दे वॉन्ट टू डू Uh, तालीम का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज mm -hmm. और जो मेरा ख़्याल है कि जो आप कह रहे हैं सबसे बड़ा मसला है हमारा सबसे बड़ा मसला हमारा फ्लॉड असेसमेंट सिस्टम है mm -hmm. उस असेसमेंट में हम बच्चे की आ, ये नहीं हम असेस करते कि उसने क्या सीखा हमने ये असेस करते हैं कि उसे क्या याद आया क्या याद रहा और क्या वो रिप्रोड्यूस कर सका एट वन मोमेंट इन टाइम सम्रेन आर जस्ट नॉट गुड एट गिविंग एग्जाम्स True. और आप देखें कि वेस्ट में कितना एग्जाम्स सातवीं आठवीं तक को कोई इम्तहान लेना ही नहीं लेना चाहते, लेना नहीं चाहते। तो मेरे ख्याल है कि अगर हम असेसमेंट मैथडोलॉजीज़ बदल दें और वहाँ पे आल्टरनेटिवस दे दें तो हम बहुत सारे हमारा टैलेंट पूल बहुत वाइड हो जाएगा और जो बच्चे हमारे निकल जाते हैं तालीम की स्ट्रीम से स्ट्रिंजेंट असेसमेंट मेथड की वजह से या हम मैं और आप ये फैसला कर लेते हैं कि इनका सीजीपीए क्योंकि टू आया है ये 2.5 आया है तो ये किसी काबिल नहीं है फिर खाली इस सोच से बाहर निकलने की ज़रूरत है आ, एक और बहुत बड़ा ग्लोबल चैलेंज मैं इंटरनेशनल भी स्टडी कर रहा था आई थिंक लोनलीनेस आजकल की जो हमारी यंग जनरेशन है बहुत ही बड़ा चैलेंज है इनफैक्ट मैंने इस पर एक वीडियो भी किया कुछ अर्से पहले मिलियंस में हिट हुआ मैंने स्टार्ट्स पढ़े आईफोन लॉन्च होने के बाद 2007 में लो बढ़ गई जॉन लिवी का भी रिसर्च है कि लो पहले बहुत कम थी अब वो बढ़ती जा रही है और ये बढ़ते बढ़ते डिप्रेशन सुसाइड और बहुत ख़तरनाक मेजर्स ले रही है इनफैक्ट आपकी गहरी निकाह सोसाइटी के ऊपर ग्लोबली बहुत गहरी निकाह रखती हैं क्या लगता है कि इंस्टीट्यूशंस इन एस्पेक्ट्स को इन टॉपिक्स को क्यों केटर नहीं करे जस्ट लाइक एन्जाइटी जस्ट लाइक डिप्रेशन कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं एंगजाइटी ना होती हो डिप्रेशन से कोई डील ना करो बट हमारे यहाँ उस लेवल की काउंसलिंग है नहीं uh, एक तो काउंसलिंग नहीं है लेकिन उससे पहले शायद समझ और इधराक भी नहीं है ना वी रिफ्यूज टू कॉम्प्रिहड द फैक्ट दैट अ थर्टीन ईयर ओल्ड अ सिक्सटीन ईयर ओल्ड अ अंटीन ईयर ओल्ड कैन बी डिप्रेस्ड और कैन सफ़र फ्राम एग्जाइटी और कैन हैव प्योर प्रेशर दैट इज क्लिंग और मे टेक अप थिंग्स एज अ पार्ट ऑफ प्योर प्रेशर विच ही इज़ अनएबल टू डिस इंगेज हिमसेल्फ फ्राम फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स आई वी कीपिंग आर आईज ओपन ऑन दैट अबाउट दैट तो मुझे लगता है कि जिस तरह आपने करियर मेंटोरिंग की बात की थी ना इसी तरह मेंटल वेलबींग कि ऑप्शन यूनिवर्सिटीज़ में भी होनी चाहिए और स्कूल्स में भी होनी चाहिए hmm. लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि हमारी पेरेंटिंग में भी कहीं फ्लॉ आ गया है ना आ, हम वो सिग्नल्स पिक नहीं कर पाते हर बच्चा एक एसओएस देता है उस थ्रेश को क्रॉस करने से पहले अपने वालदेन को अपने फ्रेंड्स को और अगर उसे काउंसलिंग अवेलेबल है तो अपने काउंसलर को कि वो स्ट्रगल कर रहा है तो अगर मतलब तो बहुत आपने तो रिसर्च की है छोटे सा इंडिकेटर है अगर बच्चा बहुत खामोश हो गया है बच्चे को बहुत ज़्यादा सोशल एंजाइटी है बच्चा फ्रेंड्स नहीं बना रहा है ग्रेड्स ड्रॉप हुए हैं एपेटाइट ड्रॉप हुई है स्पेंडिंग टू मच टाइम इन इज रूम यू नो देर स्मॉल सिग्नल्स दैट पीपल हु आर क्लोज टू हिम शुड बी एबल टू पिक टू प्रोवाइड हेल्प और जब बच्चे का हाथ टूट जाता है तो आप टूटा हाथ तो नहीं रहने देते ना आप जाते हैं डॉक्टर के पास एक्सरे कराते हैं और प्लास्टर चढ़ाते हैं जब बच्चे को एंजाइटी होती है तो उसके दिमाग में सीरियस केमिकल चेंजेस हैं जिनको मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है और अगर आप इसको टा, टाबू रखेंगे और मेडिकल इंटरवेंशन नहीं देंगे तो फ्रैक्चर से बड़ा नुकसान होता है ऐसे ही। तो मैंटल वेलबींग well है ना वो कितनी क्रिटिकल है इसका तो हमें एहसास ही नहीं है और साइलेंट किलर है ना नज़र नहीं आती है पर बहुत दुख देती है फिर जब पेरेंट्स जागते हैं कि अल्लाह माफ़ करे बच्चे ने सुसाइड कमिट कर लिया या बच्चा ड्रग्स में चला गया या उसको इतनी सोशल एंग्जाइटी हो गई कि वो ज़िंदगी भर ताल्लुक़ और रिलेशनशिप्स नहीं बना सका नहीं। इन, इन सब की शुरुआत मेरे और आपके सामने कम उम्री में हो रही होती है और उसको देखने की समझने की और उसके हवाले से कुछ करने की ज़रूरत है और पाकिस्तान जैसी कंट्री में कि जहाँ इतने मसाइल हैं वहाँ तो Uh, मेरे ख़्याल इस वक्त मेंटल एंग्जाइटी बिल्कुल बढ़ नहीं रही बहुत है uh, हर एक में है और हमारे यहाँ जैसे काउंसलर के पास जाना टैबू है मुझे लगता है कि जो लोग काउंसलर्स के पास जाते हैं वो ज़्यादा बैलेंस्ड होते हैं ट्रू आई थिंक आप यही बात काउंसलर की इनफैक्ट साइमन सेन की बहुत अच्छी किताब पढ़ा था लीडरशिप के ऊपर थी रोड एक्सीलेंट इन दैट पो उसने बड़ी कमाल की प्रोडक्शन दी जो आपकी बात से बड़ी कनेक्ट करती है कि उसने कहा कि डिग्रियाँ बहुत से दारों की एप्सुलीट होती जा रही हैं हमारे वर्ल्ड में स्किल्स का ज़माना आ गया है स्किल्स बहुत बढ़ चढ़ कर बोल रहा है पर उसने एक बहुत ख़तरनाक बात बोली जो मैंने कहीं नहीं पढ़ी और मैं शायद कहीं सुनी भी नहीं शायद आपके लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो उसने बोला कि स्किल्स का ज़माना भी जाएगा और जो ज़माना आएगा वो आएगा एमपथी का उसने कहा एम्पथी ही फ्यूचर है डू यू थिंक कि एक इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल मैं एक इंडिविजुअल हूँ मैं अपने अंदर एम्पथी को कैसे बिल्ड करूँ फॉर एक्जाम्पल कल्चर में नहीं सिखाई गई या घर वालों ने नहीं, नहीं सिखाई अब मुझे खुद चलना है अपने आप को अरे खाली इसकी तो बहुत एविडेंस आ रही है ना अगर हम देखें कि लोग नौकरियाँ क्यों बदलते हैं तो अब बहुत सारे लोग नौकरियाँ इसलिए बदलते हैं पैसों के लिए नहीं बदलते ग्रोथ के लिए बदलते हैं और वर्क कल्चर्स के लिए बदलते हैं जहाँ बहुत टॉक्सिक वर्क कल्चर्स हैं जो इनकोऑपरेट uh, नहीं करते ह्यूमन रिसोर्स की वेलबींग well या इतने डिमांडिंग कल्चर्स हैं कि ह्यूमन रिसोर्स अंडर प्रेशर आता है उन टॉक्सिक इन्वायमेंट्स को लोग छोड़ते हैं तो वो तमाम लोग जो सोचते हैं हमारा रोल ओवर कितना हा इतना हाई क्यों है उनको सोचना चाहिए कि क्या उनके वर्क कल्चर वर्क कल्चर में एम्पथी है और एम्पति सिर्फ वर्क कल्चर में नहीं है एम्पथी हर जगह है इट टू बी इन हाउस होम्स आल्सो मतलब फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव अ वेरी डिमांडिंग मदर और वेरी डिमांडिंग पेरेंट्स तो वहाँ पे भी बच्चे बहुत सफ़र करते हैं है। और वहाँ की सफरिंग तो बहुत ही हाई होती है होती है क्योंकि जो बच्चे को वैलिडेशन चाहिए फर्स्ट वैलिडेशन पेरेंट्स से चाहिए होती है बट आर वी मूविंग टूवर्ड्स दैट वहाँ मैं बहुत मुझे बड़ा सवाल नजर आता है क्योंकि वी आर स्टिल हम फंसे हुए हैं एक ग्रीड ड्रिवन कैपिटलिस्ट सिस्टम में और कैपिटलिस्ट भी अब कहते हैं कि कैपिटलिज्म विद अ कॉन्शंस होना चाहिए hmm, सही तो जो जो बड़े इदारे हैं जिन्होंने ग्रो किया है वो अपनी ह्यूमन रिसोर्स की वेलबींग well की अहमियत को समझते हैं hmm. जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स की तरफ देखते हैं वो एक्सप्लोइटेटिव होते हैं Uh, जो एक्सप्लोइटेटिव वर्क कल्चर्स हैं वो खत्म हो जाएंगे पीपल विल स्टॉप ऑप्टिंग फॉर इट और इसीलिए आप देखिए कि फ्री लांस कल्चर पीपल आर हैप्पी टू मेक लेस मनी बट दे टू बी देर ओन बॉस विच इज पार्टली बिकॉज ऑफ टॉक्सिक वर्क कल्चर्स तो मेरे ख्याल आई मीन आई टेंट टू अग्री विद इट और जो उसकी वजह से मसाइल हैं वो मुझे नज़र आते हैं कि हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं देट्स येट टू बी सीन लेकिन जो इदारे बढ़े हैं देव डन एक्सेप्शनली वेल मतलब जो इदारा ह्यूमन रिसोर्स में ये सोच के इन्वेस्ट करता है ना कि अगर ये चला जाएगा तो क्या होगा उसे ये सोचना चाहिए कि अगर वो नहीं जाएगा तो, तो क्या, क्या हो? होगा ब्यूटीफुल आई थिंक uh, एक बहुत बड़ा चैलेंज जो कि हमारे यहाँ इंडिविजुल्स फेस कर रहे होते हैं प्रोकेस्टिनेशन यूबूज से कि हर इंसान को पता है उसके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या चीज़ ज़रूरी इनफेक्ट मैं समझता हूँ आजकल का जो पाँच साल का बच्चा सुकरात से ज़्यादा जानता है <laughs> तो क्योंकि सुकरत के पास इतनी इफॉर्मेशन नहीं थी उन्होंने टेक्नोलॉजी थी ना मार्च जगह पर कि अबू का नाम किया था और उनके बच्चे कौन थे उनकी अम्मी क्या करती थी

To come down to the right conclusion, to be. And in today's to information is the the ability to see through fake news, the ability to see the alternatives that are there for commercial gains. What is information and what is projection of somebody's interests? So, in a deductive logic, deductive analysis, uh, critical thinking process, uh, and then. जो फिर तालीम का ज़िक्र आ जाता है ना ये मुझे और आपको जो तलीम के शोबों से मुंसलिक हैं उन्हें क्लासरूम में उन्हें फ़ाइनल वर्डिक नहीं देना चाहिए उन्हें ऑल्टरनेटिव देने चाहिए और फिर उनको ये कहना चाहिए कि तुम फैसला करो कि इस ऑल्टरनेटिव में से कौन सा ऑल्टरनेटिव बेस्ट है क्योंकि इन सर्टन कंडीशन सर्टन ऑल्टरनेटिव वर्क आपने प्रोकेस्टिनेशन की भी बात की थी हमने क्यों फैसला कर लिया है कि हर एक को एक ही पेस पे काम करना चाहिए ही। हो सकता है मेरी क्रिएटिविटी जो है वो डिफरेंट पेस पे सामने आती है और एक किसी और की क्रिएटिविटी दूसरे पेस पे सामने आती है तो हमने हर चीज़ के ऊपर मेजरमेंट लगा दी हर चीज़ के ऊपर कंपटीशन लगा दिया है और उससे मेरे ख्याल है कि लोग मुतनाफिर हो रहे हैं थक रहे हैं तो so ये जो मेंटल वेलनेस की बात हो रही है वी वी हैव हमारा माशरा थक रहा है मेंटली भी थक रहा है फिजिकली भी थक रहा है ये कंपटीशन, ये कांस्टेंट कंपटीशन, ये कांस्टेंट डंडा दैट यू नीड टू डू मोर इज़ टेकिंग अ टोल ऑन आर लाइफ और उसको शायद हम और फिर स्केपिज्म होता है बच्चे कभी ड्रग्स में स्केपिज्म ढूंढते हैं कभी वो टेक्नोलॉजी uh, में जा टेक्नोलॉजी में स्केपज ढूंढते हैं बिकॉज दे फील के वहाँ वो वो उनकी सेफ स्पेस है वहाँ उनसे सवाल नहीं है वहाँ उनसे वैलिडिटी है उनके लिए वहाँ पर तो आई थिंक मुझे बहुत दफ़ा ये लगता है कि वी नीड टू री थिंक वॉट वी आर डूइंग सीरियसली हमने ज़िंदियाँ अपने लिए भी मुश्किल कर दी हैं और बच्चों के लिए भी मुश्किल कर दी हैं और अनलेस हमने ये री और मेरे ख़्याल है कि कोविड के बाद और अब जो पूरी सूरत हाल है दुनिया की इसके बाद ये रीथिंक और भी ज़रूरी हो गया है ना कि जो फ्यू पीपल डिसाइडिंग वॉट इज राइट फॉर एवरी वन इज इज़ अ फ्लॉड पैराडाइम ज़्यादा फिलासफी तो बड़ा नहीं नहीं, नहीं, नहीं फिलासफ़ी से बड़ा इम्पोर्टेंट मैं एक एनालिसिस पढ़ रहा था शायद आप मुझे इस पर भी कर सकती हूँ पढ़ रहा था कि जब गोरे जब आए हिंदुस्तान में जब ये अटैक करने के लिए इसको कॉनकर करने के लिए तो उन्होंने काउंट किया कि हम कुछ लाख हैं कुछ हज़ार थे और सामने जो मजमा है वो करोड़ों का है हिंदुस्तान पाकिस्तान तो एक हुआ करता था तो एक गोरे का मैं वो तजिया पड़ था वो कह रहा है कि अगर ये हम पर मट्टी उठा के भी फेंकेंगे ना अगर ये जो हिंदू पाक के लोग मट्टी उठा के ही फेंकेंगे तो हम तो धस जाएंगे तो उस ज़माने में वो कहता है कि हमने इनकी फ़िलासफ़ीज़ पर काम किया हमने इनको बताया कि आपका एजुकेशन निज़ाम कुछ नहीं है हमारा एजुकेशन निज़ाम असल है उन्होंने जो कॉन्सेप्ट स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट दिया पहले इब्न सीना का मदरसा हुआ करता था मैंने एक मूवी भी देखी लंदन का एक बंदा उसने बनाई थी फिलशन कि इब्न सीना का हमदान ने मदरसा और लोग लंदन से बंदा डॉक्टरेट पढ़ने के लिए इबन सीना से पढ़ने हमदान जा रहा है आई थिंक uh, क्या वजह है कि फलासफी सोशल साइंसेस आज के माशरे से उस तरह से ख़त्म होती जा रही हैं लोग फलसफे को तरजीह दे ही नहीं रहे जैसे भी आपने खुद भी कह दिया कि ज़्यादा फलसफा तो नहीं हो गया मेरा ख्याल है कि सोशल साइंस लिबरल आर्ट्स में फलसफा तारीख मतलब तारीख भी पढ़नी चाहिए न मार्क ट्वेन ने कहा था ना कि हिस्ट्री डजेंट रिपीट इट सेल्फ इट रिफल तो दैट्स ऑल द टाइम द हिस्ट्री विल कॉन्स्टेंटली राइम। सोशल साइंसेस जो होते हैं ना और लिबरल आर्ट्स वो ल्यूब्रिकेंट होता है मशीन जितनी भी अच्छी हो ना अगर उसमें तेल ना पड़े तो वो नहीं चल पाती सो सोशल साइंसेस एंड लिबरल आर्ट्स आर आर ल्यूब्रिकट्स सो इज आर्ट्स एंड आर्ट एंड कल्चर सो इस थिएटर मतलब मुझे ये, जब हमने जयाल के ज़माने में रोमांस uh, को ख़त्म किया तो फिर रोमांस की जगह हमने क्या बेचा हमने गंदासा बेचा हमने वायलेंस बेचा hmm. बेचा और अभी भी हम माशरे में पब्लिक डिस्प्ले ऑफ एफेक्शन को रोकते हैं लेकिन हम वायलेंस को तो नहीं रोक पाते hmm. ठीक है ना जी तो तो ये जो माइंडसेट है वो मतलब वालदेन को एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए और वालिद का वालदा से प्यार से बात करना घर को महफूज बनाता है बच्चों को वो घर अच्छा लगता है जहाँ उसकी माँ को इज़्ज़त दी जाती है वो कहते हैं ना जो बेहतरीन चीज़ एक बाप अपने बच्चे के लिए कर सकता है वो ये कि वो उसकी माँ को अच्छा ट्रीट करे Beautiful. और फिर वो उस फिर वो माशरे सॉफ्ट हो जाते हैं ना लेकिन हमारे यहाँ वो मुशरे सॉफ़्ट क्योंकि हमने तो मर्दानगीत को जोड़ दिया कि औरत से बीवी से तमीज़ से बात नहीं करनी चाहिए फिर मुझे मुझे लगता है कि जो माशरे मैं डिफरेंट उस पर आ गई लेकिन जो माशरे अपनी औरतों की इज़्ज़त नहीं देते फिर वो माशरे ग्रो नहीं करते ग्रो नहीं करते। और मैं ये यकीन से ये बात कहती हूँ कि जिस बच्चे ने अपनी माँ को बिजली का बिल देते देखा होता है ना मेहनत करके वो बच्चा कभी काम करने वाली औरत की बेइज्जती नहीं कर सकता ब्यूटीफुल बहुत खूबसूरत और जो उसने जिस माने मेहनत करके उसकी स्कूल की फीस दी है और बिजली का बिल दिया है वो बच्चा काम करने वाली औरत से की इज्जत करता है कौन सा मर्द है जो काम करने वाली औरत की इज्जत नहीं करता जो मर्द घर से बाहर निकल कर अपने साथ काम करने वाली औरत की इज्जत नहीं करता फिर वो अपनी औरत के लिए डरता है और hmm. उसको बाहर नहीं निकलने देता है तो ये सोच अगर हो तो फिर माशरे तब्दील हो जाएंगे और

टेक इज़ फ्यूचर एवरी थिंग इज़ टेक डिस्ट्रप्शन टेक की तरफ से आ रही है अमेजोन बहुत सारे कोर्सेस course कोर्स अच्छा इन सब चीज़ों में एक बहुत बड़ा डैमेज हो रहा है सोसाइटी में जो मैंने नोट किया हर कोई जब टेक को पढ़ने चला गया तो सोशल साइंसिस फिलासफी जैसे हम बात करते हैं आर्ट्स एंड कल्चर इस तरफ लोगों का उस तरह से नहीं fact, रहा देख मतब, exactly, करियर की हम बात करें अपना फीडबैक दें कि बहुत से लोग आज भी जब करियर की बात करते हैं, तो भी इंजीनियर डॉक्टर आईटी आजकल नया चल गया तो आईटी बहुत हिट है लेकिन मैंने प्रैक्टिकली सोशल साइंसेस के बारे में लोगों को करियर ऑप्शन की तरफ हमने ये फैसला कर लिया कि सोशल साइंस कंपार्टमेंटलाइज कर दिया ना साइलोइज़ कर दिया एजुकेशन को जो सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त वो है थ्रू डी साइलोआइज एजुकेशन यानी कंपार्टमेंटलाइज कंपार्टमेंटलाइज ना करें एजुकेशन सोशल साइंस तो डॉक्टर्स को भी पढ़ानी चाहिए सोशल साइंस तो इंजीनियर्स को भी पढ़ानी चाहिए वरना ये रोबोट्स बन जाएंगे सोशल साइंसिस तो टैक्स को भी पढ़ानी चाहिए आप मुझे बताइए कि कोई टेक का बहुत हाई प्रोफाइल बंदा हिस्ट्री और लॉजिक के बगैर किसी माशरे में इन बना सकता है यू हैव टू अंडरस्टैंड सोसाइटीज एंड टू अंडरस्टैंड सोसाइटीज यू हैव टू स्टडी सोशल एंड लिबरल आर्ट्स। और टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो बाई द वे आर्ट ठीक है तो मे, ये, ये मेरे ख्याल है जो हमारी गलती कहीं हमारी सोच में हो गई yeah. वो हमने ये सोच लिया कि जो सोशल साइंसेस पढ़ेगा वो टेक नहीं पढ़ सकता Hmm. ये भी कर सकते हैं लेकिन जो टेक पढ़ रहा है उसे सोशल साइंसेज जरूर पढ़नी चाहिए।, चाहिए जो इंजीनियरिंग पढ़ रहा है उससे सोशल साइंसेस जरूर पढ़नी चाहिए जो बिजनेस पढ़ रहा है उसको सोशल साइंसेस जरूर पढ़नी चाहिए आ, 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 आपने आईबीए का हवाला दिया हमने आईबीए में सोशल साइंसेज इंट्रोड्यूस की बिजनेस में तो मुझसे बहुत बच्चे आके पूछते थे कि आप हमें क्यों सोशल के कोर्सेज पढ़ा रही हैं ना आई ऑलवेज टेल दैम कैन यू गो इन टू बिजनेस इन अफगानिस्तान कैन यू गो इन टू बिजनेस इन अफ्रीका नॉट कंपार्टमेंटलाइज एजुकेशन एंड दैट इज द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी चैलेंज कि ये जो साइलोज में हमने तालीम को बांटा है इसको हम सिनर्जीज क्रिएट करेंट्स माई सोलूशन एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज अगर मुझे बात करें कंटेंट आई थिंक अगर हम मिसाल के तौर पर आपकी रिसेंट एक मूवी आई है मैं उसका नाम ले लूँगा बहुत ऐसे पाकिस्तानी मूवी आई है आई थिंक नाम लेने में कोई मसला नहीं मौला मोलाजट मॉला जट बाईट अब मैं movie. उसका ट्रेलर देखा तो बड़ा खतरनाक किस्म का ट्रेलर है बट पॉइंट इज दैट की इस किस्म की मूवीज करोड़ों लोग देख रहे हैं ठीक है प्रैक्टिकली स्पीकिंग इसमें अगर कोई मैसेज

आप इसी इन्फॉर्मेशन को फिल्टर कर कर मेरे मेरे लिए एक कंटेंट को कस्टमाइज़ करते हैं और एक कंटेंट आपके लिए कस्टमाइज करते हैं ना तो ये कस्टमाइजेशन ऑफ कंटेंट तो मार्केट की डिमांड है इस वक्त ये तो आपको करनी ही पड़ेगी मोलर जेट इज अ रीबूट ठीक है ना अब रीबू इट्स फैंटेस्टिक इट्स रिवाइविंग समथिंग एंड दिन विल मिच्योर देखिए इंडियन सिनेमा पहले हमेशा से ऐसा नहीं था इंडियन सिनेमा आज में चोर हुआ है जो वो टॉयलेट और पैडमैन जैसी मूवीज बना सकतील हिट्स एंडस कंटेंट क्रिएशन एंड पिचिंग दिन वे वेयर एक आम आदमी उसकी अहमियत समझे जो सब्जेक्ट बिल्कुल ताबू है उस पर उन्होंने बड़ी बात की और उस जबान में की है जो जहाँ का वो मसला है तो आई थिंक कंटेंट जनरेशन तो बिल्कुल एक साइंस है अब नेगेटिव बिल्डिंग साइंस है और मार्केट डिटर्मन करेगी कि आपको ये करना पड़ेगा आप पॉडकास्ट क्यों कर रहे हैं इट्स अ मार्केट ड्रिवेन प्रायोरी टाइम और इसलिए कि जो टेली इस वक्त हमारा कमर्शल मीडिया है वो कमर्शियल मीडिया उस नीट को कैटर नहीं कर रहा जो लोग सीरियस कॉन्वर्सेशन सुनना चाह रहे हैं तो फिर आप ऑल्टरनेटिवस आ जाते हैं? तो इसी तरह ऑल्टरनेटिव आते जाएंगे

ऐसे ही है यू हैव अ वेरी गुड आई ऑन फ्यूचर आई हैव सीन योर डिफरेंट एनालिसिस आप दे रही होती हैं डिफरेंट शोज़ में भी वन इट कम्स टू एजुकेशन अगले चार पाँच सालों में आप एजुकेशन को किस तरफ़ जाता हुआ देख रही हैं मतलब क्या डिग्री प्रोग्राम्स हो रहे होंगे इसी तरह चलते रहेंगे या चीज़ें में कुछ चेंज आएगा लोग स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे होंगे सर्टिफिकेशन की तरफ जा रहे होंगे हाउ हाउड यू सी मतलब क्योंकि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब जो स्टूडेंट्स हैं जैसे मैंने कहा कि सुकरात से भी ज्यादा जानने वाली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो गई तो लोगों को बहुत से स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है कि यार ये जो कोर्स आउटलाइन मुझे पढ़ाई जा रही है प्रैक्टिकली वर्ल्ड में मेरे उस कॉन्टेंट उस चीज से कनेक्ट नहीं कर रही सो वॉट यू थिंक वे एजुकेशन इज हेडिंग एक तो वी हैव टू चेंज हाउ टीच वो इजिंगी बड़ा नाम है मेरी फेवरेट रिसर्च है आजकल हर जगह कोट कोर्ट कर तो उन्होंने कहा कि जब हमने देखा ना कि लेक्चर जब हो रहा था मोनोलॉग जब हो रहा था जो आम तरीक़ा है हमारे यहाँ फैकल्टी जाती है क्लास में लेक्चर देती है चालीस पचास बच्चा बैठा होता है तो उन्होंने कहा उस वक्त जो मैंटल एक्टिविटी होती है ना स्टूडेंट की वो उससे भी कम होती है जिस वक्त वो सो रहा होता है देर इज़ नो मेंटल एक्टिविटी वेन अ मोनोलॉग और अ लेक्चर इज़ हैपनिंग तो दूसरा तरीका हमारी टीचर्स ने ये अपना लिया कि स्लाइड्स बना ली बहुत सारी एंड दे गो एंड दे रीड आउट स्लाइड्स स्टूडेंट्स कम्प्लीटली जोन ऑफ तो एक तो वी वी विल हैव टू री इनवेंट हाउ एजुकेशन इज़ बींग इम्पॉर्टेंट इस बात पर मुझे कोई इभाम नहीं है और जो अच्छी टीचर्स हैं वो ऑलरेडी कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आईड दूसरी अहम बात यह कि हमने क्यों ये सोच लिया कि डिग्री हो डिप्लोमा हो या सर्टिफिकेट हो यह सब कुछ हो जिसको जो ट्रजेक्ट्री चाहिए वो हो और सब जो हैं वो मोतबर हों एक डिग्री दूसरे से ना कम हो ना ज़्यादा हो एक्सेलेंस हो और जो डिग्री आप बाँटते हैं उस पर जो लिखा हो वो वाकई आपने दिया हो यू नो इन कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान वी आर चर्निंग आउट डिग्रीज दैट आर नॉट वर्थ द पेपर दे आर रिटर्न ऑन आई मीट पीपल जिन्होंने जो चार साल अंडर ग्रेड में किया होता है वो उनके कोई काम नहीं आता सारी ट्रेनिंग ऑन जॉब होती है एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर रिलेटेड विथ स्टेम वो लैब ज्वाइन करके एक्सपेरिमेंट्स करना सीखते हैं वो कंप्यूटर uh, पर काम करके सीखते हैं कुछ ऐसे उनके पास कोई डिग्री नहीं होती वो प्रैक्टिकली करके सीख लेते हैं डिग्रीज़ आर स्टिल इंपॉर्टेंट बिकॉज हमें आइडेंटिफाई करना है कि इस इस क्या मेथड है और क्या कुछ हमें आना चाहिए कोई तो मेजरमेंट होनी चाहिए ना True. लेकिन सिर्फ मेजरमेंट एंड नहीं होना चाहिए सो आई लुक एट अ वेरी डाइवर्सिफाइड सिस्टम फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेरे ख़्याल में मुझे जर्मनी का बहुत अच्छा लगता है uh, और हमने जो वोकेशनल ट्रेनिंग को हमने ये फैसला कर लिया है कि अगर आपके पास अकैडमिक uh, डिग्री है तो आप मोतबर हैं और अगर आपके पास वोकेशनल डिग्री है या आप अपने हाथ से काम करने वाले हैं तो आप कम मोतबर हैं इसका फैसला कैसे कर लिया माशरे ने कि कौन मोतबर ठीक है सो आई थिंक वॉट वी शुड बी रिवॉर्डिंग इज एक्सलेंस एंड वेरियस ट्रिजेक्ट्रीज डिग्रीज विल रिमेन इम्पोर्टेंट बिकॉज वो सिस्टमाइज करती हैं कि आपकी लर्निंग्स क्या होंगी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम बट एवरीबडी डजेंट हैव द टाइम नॉट द मनी डिग्रीज़ आर बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में इस वक्त पचपन फ़ीसद एजुकेशन प्राइवेट हो गई है पब्लिक सेक्टर को लेप्स कर रहा है मुझे इस कहने में कोई इभाम नहीं है हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के पास पैसे नहीं हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए बच्चों को एक्सपेरिमेंट कराने के लिए फैकल्टी को पैसे देने के लिए दे आर ओवर ब्लोटेड बैड अकेडमिक मॉडल्स तो ज़ाहिर है फिर उस वैक्यू में प्राइवेट सेक्टर आ रहा है प्राइवेट सेक्टर जेब से पैसा कभी भी खर्च नहीं करेगा वहाँ पे सो एजुकेशन विल बिकम मोर एक्सपेंसिव ओवर टाइम बाहर आपने देखा यही हो गया है ऐसा ही है। uh, तो ऐसी सूरत है, हाल में हमें बहुत सारी ट्रिजेक्ट्रीज क्रिएट करनी है uh, कोई मैट्रिक के बाद भी प्रोफेशनल एजुकेशन में जा सके टेक और फिर वो रीज़नेबली स्ट्रेंथनड कंसोलिडेटेड हों ताकि वो इकनॉमिक एक्टिविटी देखिए एंड प्रोडक्ट क्या है कि जो आपकी यूथ है विच इज़ हमारी तो सिक्सटी सिक्स सिक्सटी सेवन परसेंट यूथ है ये प्रोडक्टिव इकनॉमिक कंपोनेंट ऑफ द सोसाइटी हो ये कॉन्ट्रीब्यूट कर सके माशी तौर पर ना तो हमें माशी तौर पर फाल लोगों को सामने लाना है और एजुकेशन को उस पैराडाइम को सपोर्ट करना है जब हम ये कर पाएंगे तो फिर हम लार्जर कॉन्स्ट्रक्ट में जाएंगे जहाँ हम आर्ट लिटरेचर कल्चर को भी इकनॉमिकली वायबल करेंगे Paintings should be economically viable, theatre should be economically viable, films should be economically viable. It's true. Uh एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट में जिसमें अभी सोसाइटिकल डेवलपमेंट में बात की अगर हम इंडिविजुअल डेवलपमेंट में बात करें बहुत सी किताब पढ़ने का इतफाक होती वन थिंग जिसका बड़ा कमाल जुमला था वन यू फोकस ऑन वन थिंग यू लूज़ द फोकस ऑन अदर जब आप एक जगह फोकस रखेंगे तो डेफिनेटली दूसरी चीज़ आपके हाथ से निकलेगी यानी मुझे एक बात समझ आई कि आपको प्रायरटाइज़ करना पड़ता है एक पर्टिकुलर टाइम पर कि आपकी उस वक्त क्या प्रायरिटी जिस वक्त इस वक्त मेरे लिए पर्टिकुलर स्किल पॉडकास्ट प्रायरिटी तो मैं पॉडकास्ट पर बहुत तोज्जा दूंगा आने वाले दौर में अगर कुछ और चेंज होगा तो वो मेरे लिए प्रायरिटी होगा आज के दौर में जो सवाल बड़ा कॉमन है कि किस स्किल को आप समझती हैं आज के एरा के अंदर इस करंट डिस एरा एक यंगस्टर को जो भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर रहा है या ग्रेजुएट पढ़ रहा है अपनी उस फाइनल ईयर्स में उसे किस पर्टिकुलर स्किल को बहुत ज़्यादा प्रायरिटाइज हैमर करने की ज़रूरत है जो जिनको हम स्किल्स ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी कहते हैं उन स्किल्स में जो सबसे जो स्टडीज़ हमें बताती है ना अवल तो मेरे जो लगता है कि मैं ये बात ना कहूँ हर कोई अपने पेस पे काम करता है mm. ये मेरी एक है सम पीपल आर मल्टी टास्कर्स अदर पीपल आर यूनिफोकल एंड दे फंक्शन परफेक्टली वेल एज एन हु दे आर बट वॉट इज़ द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी लुकिंग एट इंडस्ट्री क्या मांग रही है एक्चुअली इंडस्ट्री अकेडमिक स्किल्स नहीं मांग रही है इंडस्ट्री आपसे सॉफ्ट स्किल्स मांग रही है सॉफ्ट mm. स्किल्स में वो आपकी आर्टिकुलेशन कम्युनिकेशन क्रिटिकल थिंकिंग नेटवर्किंग जरूरी नहीं है कि आपको ये काम आता हो बहुत ज़रूरी है कि आपको यह पता हो कि मैं किसको उठा के फ़ोन करूं या किसको कनेक्ट करूं कि ये काम हो जाए सो दे एक्चुअली डिड अ स्टडी दे सेट कि ये एक ही बहुत बड़े यूनिवर्सिटी से बच्चे निकले हैं आई वी लीग से इनकी करियर ट्रिजेक्ट्रीज क्यों फ़र्क हैं जो दो चीज़ें उनको करियर ट्रिजेक्ट्री में मिली जो बहुत आगे गए हालांकि एक ही जगह से पढ़ा था एक ही बैकग्राउंड के बच्चे थे वॉज नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स जबरदस्त सो आई थिंक दोज दोज आर क्रिटिकल इन टूडेज़ वर्ल्ड द एबिलिटी टू आर्टिकुलेट योर सेल्फ सो ऑल्सो We, to the ability to write we, we've started thinking that to ability to write is not important the ability to write and talk in an articulate fashion is critically important Again <laughs>

हमारे कम्युनिकेशन बस वो एक कोर्स के तौर पर पढ़ा दिया जाता है एक एक क्रेडिट uh, आवर के तौर पर true. और उसको हम प्रायरिटाइज नहीं कर रहे होते अब मसला है कि जो हमारा यंगस्टर है वो जहाँ जा रहे हैं इनफैक्ट मुझे सैनिक का जुमला मेरे दिमाग में यो कस्टमर्स आफ पीपल योर एम्प्लॉज़ ऑफ पीपल योर या कॉम्पिटर्स पीपल सोसाइटी इज़ ऑल अबाउट पीपल और अगर आपको लोग समझ नहीं आते तो आपको बिजनेस भी समझ नहीं आएगा बट पॉइंट ये कि वो कम्युनिकेशन सीखे कहाँ से कैसे डेवलप करें अपने कम्युनिकेशन आई डोंट थिंक इट्स अबाउट अ कोर्स आई मतलब वी ऑल हैव वो वो कोर्स भी इसलिए डाला गया क्योंकि प्रेशर आया इंडस्ट्री से कि इन बच्चों को कम्युनिटी तो हमने कहीं स्पीच कॉम डाल दी कहीं हमने कोई और सॉफ्ट स्किल्स के कोर्सेज डाल दी इट्स नॉट अबाउट वन कोर्स इट इज़ हाउ योर इंटायर कैरिकुला इज बिल्ट वेयर कम्युनिकेशन इज इनकोऑपरेटिड इन एवरी थिंग दैट यू टीच यूसी इंटरप्रन्यल स्किल्स हैं ना यू टीच इट फ्राम एवरी थिंग यू डू the same as communication skills and i think in the new systems uh, it's em emphasized i mean today even a montessori child is placed on the stage to perform public fear khatamogya public speaking ka fear khatamogya uh, and then i also think that to some people it comes naturally but it is an art that can be learned तो वो जो लर्निंग्स हैं उस पर फोकस और इम्फोसिस होना चाहिए इट्स नॉट अबाउट वन कोर्स जो भी ये समझता है कि एक क्रेडिट आर या तीन क्रेडिट आर के कोर्स पढ़ाकर आप किसी को कम्युनिकेशन स्किल्स दे देंगे इज टिकिंग अ बॉक्स एंड दैट इज द प्रॉब्लम विद आर एजुकेशन वी आर टिकिंग बॉक्सेज यूसी हमने उसको बहुत बड़ा कर दिया कि हम ये भी पढ़ा रहे हैं हम ये भी पढ़ा रहे हैं वी आर नॉट टीचिंग एनी थिंग वी आर टिकिंग बॉक्सेज एंड एट द एंड ऑफ द डे जो स्किल ट्रांसफर है ना जो रियल स्किल ट्रांसफर है वो वीक है ऐसे uh, आपका काफ़ी तजुर्बा ओ में भी रहा है आपने ऑर्गनाइजेशन डेवलपमेंट में काफ़ी ट्रेनिंग्स कराई हैं बहुत अरसे आपने को ट्रेनिंग में गुजारा है वो यू सी के ओ के अंदर ऑर्गनाइजेशन डेवलपमेंट में वर यू सी सबसे बड़ा चैलेंज ऑर्गनाइजेशन क्या फेस करी हैं उनके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको क्या नज़र आता है ऑर्गेनाइजेशन की में शद तरीन डिस्ट्रप्शन है इस वक्त ऑफिस आर गोइंग अवे ऑफिस प्लेस आर गोइंग अवे

देर इज़ नॉट वन पोल यूनीपोलर नहीं है अब मल्टीपोलर हैं ऑर्गेनाइजेश और उन मल्टीपोलर्स में आपको अटोनमी भी देनी है ट्रस्ट भी देना है और उनको गेट द बेस्ट आउट सो हमारे यहाँ वो एक ही मसला है जो मुझे नज़र वी हायर द बेस्ट ऑफ द पीपल एंड देन वी वॉन्ट टू रन दैम इफ यू हायर गुड पीपल लेट देम डू ऑट दे नो एंड यू डू देट दोगेनाइजेश Uh, हम बहुत उम्दा लोग हायर करते हैं और फिर हम उनसे बताते हैं कि अब ये काम आप ऐसे कीजिए एक रेडार रहता है उनके सर पे हाँ तो मेरे ख्याल है कि मल्टीपोलर हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस ऑटोनमी बढ़ जाएगी हायरकी खत्म हो जाएंगी इट विल बी लेड बाय एक्सपर्टीज ग्लोबली आई थिंक बहुत ज़्यादा रिसेशन दुनिया को हिट कर रहा है पाकिस्तान के हालात आपके सामने और इस पर मैं समझता हूँ आपसे बेहतर भी बहुत से लोग जो काम करें आपका से बहुत ज़्यादा काम है। आप डिफरेंट शोज पर ही बात कर रही होती है मुल्क के हालात के ऊपर मेरा सवाल जो है ना वो एक आम आदमी के परस्पेक्टिव से यूज हमारा जो, जो मिडिल क्लास तबका है जो मेरी निकाह देखती है वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है जा बिजली के बिल से लेकर और जो महंगाई इस तरफ जा रही है एंड एक सवाल जहनों में अक्सर आ रहा है कि ये जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं उसमें एक मिडिल क्लास ऑडियंस जिसके चार बच्चे हैं उसकी कॉलेज यूनिवर्सिटी की फ़ीसेस भी हैं मतलब वो एक नैजलाघा मजदूली भी कहते हैं कि जाहिदों के जो दिल है ना वो रोते हैं अगरचे उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है मतलब मैं अपने आप को जाहिर तो नहीं कह सकती लेकिन जब मैं यूजली देखता हूँ मिडिल दे क्लास ऑडियंस को तो मुझे समझ नहीं आता कि अरे कैसे सरवाइव करेंगे और क्या होगा जिस तरह हम चीज़ें जा रही हैं वट वुड यू एडवाइज देम कि हाउ दे डील द वर्ल्ड इज़ हेडिंग बहुत ही क्लीशेड एक तो मैं मुझे नहीं लगता कि जो हमारे आ... पाकिस्तान का सबसे बड़ा अगर आप पाकिस्तान की बात करें वी हैव टू डू अवे विद द एलीट कैप्चर हमारे ज़ीरो पॉइंट टू परसेंट लोग हमारी पूरी आबादी की क़स्मतों पर काबिज हैं सो एंड आई थिंक देर इज़ अ मूवमेंट नाउ टू काउंटर दैट और वो खतरनाक है अगर उसको की अड्रेसल नहीं हुई वो ख़तरनाक है क्योंकि यूथ है और एक डिसल्यूजेंड यूथ है और अगर ये यूथ बल्ज यूथ बैगेज बन गया तो हम संभल नहीं पाएंगे एक बात दूसरी बात ये कि मैं हमेशा अपनी मिडिल क्लास के लोगों से ये कहती हूँ कि आपके पास अपवर्ड सोशल मोबिलिटी का सिर्फ एक ही रास्ता है और जो आपको अपवर्ड सोशल मोबिलिटी भी देता है यानी आप माशी तौर पर और समाजी तौर पर ऊपर जा सकते हैं और जो माशी गैर हमवारी है उसको भी एड्रेस कर सकता है वो ये कि अप, आप माशी तौर पर अपने आप को फ़ाल करें इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड स्किल एक घर पाँच बच्चों का घर अब एक आदमी नहीं चला सकता दैट इज़ द न्यू रियलिटी उसको आप एम्ब्रेस करें वेमेन विल हैव टू कम इन टू द वर्क फोर्स एंड नॉट इन द इनफॉर्मल सेक्टर रिकोगनाइज द वर्क bring them ब्रिंग the इन द फॉर्मल सेक्टर एंड ऑल्सो मेरे ख्याल है कि वर्क फोर्स बट बच हमारे बच्चों के पास डायरेक्शन नहीं है ना ही है. हमारे बच्चों को नहीं कितने बच्चे हैं जो आपकी तरह शायद मेरे लिए तो तुम भी बच्चे ही हो तुम्हारी तरह उन्होंने मेहनत कर कर अपने लिए कोई रास्ता ढूंढ लिया है और कितने बच्चे सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं कि उनकी इकोनॉमिक कंपल्शन है और उनकी कोई ग्रोथ नहीं हो होती तो मेरे ख्याल ये पैराडाइम शिफ्ट है जो हमें चाहिए जो ये बच्चे कहीं फंसे हुए हैं कि ये पैसे तो कमा रहे हैं लेकिन फिर इनकी सीलिंग है ये सीलिंग नहीं तोड़ पा रहे तो उस सीलिंग के लिए मैं इसीलिए कहती हूँ डाइवर्सिफाइड एजुकेशन सिस्टम जो जहाँ बैठा है वो उस हवाले से तीन महीने की सर्टिफिकेशन से साल भर के डिप्लोमा से अपने स्किल को नेक्स्ट लेवल पे ले जाए चाहे वो कैमरा हो चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर हो चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो वो उसके पास डेढ़ महीने का कोर्स होना चाहिए कि फिर वो ऊबर मैनेज कर सके Beautiful. वो टेक मैनेज नो सो सो यू नो यू टॉक अबाउट टेक टेक इज़ द फ्यूचर आप अगर वो एम्पावरमेंट दे देंगे तो आप ये बैरियर्स तोड़ देंगे जब और जब, जब आप माशी तौर पे फाल हो जाते हैं जब आप माशी तौर पर कम से कम इतना हो जाते हैं कि आपको अगली रोटी की फिक्र नहीं होती तो फिर आप पॉलिटिकली सही फ़ैसले लेते हैं आप नान रोटी पे नहीं बिकते देखा जाए तो हमारे यहाँ इस वक्त जो माशी हालात और वज्जे जो सिचुएशन के कराची के जो करेंट हालात हैं इनमें इनफैक्ट बहुत से कंटेंट क्रिएटर भी इस चीज़ को मैं देख रहा हूँ प्रमोट कर रहे हैं और ये चीज़ बड़ी प्रमोट हो रही है कि भाई आप पाकिस्तान से बाहर जाएं वहाँ आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं बेहतर करियर और ये भी देखा जा रहा है कि पाकिस्तान का जो टॉप टैलेंट है वो बेसिकली पाकिस्तान में नहीं रहा वो पाकिस्तान से बाहर चला गया और बहुत सारे यंगस्टर्स मैं देख रहा हूँ कि वो इस बात पर सोच रहे हैं मतलब जो जिनके अंदर करिश्मा भी है वो पोटेंशियल भी है शायद डायरेक्शन भी है लेकिन उनको लग रहा है कि उनकी डायरेक्शन यहाँ जो है ना वेस्ट हो जाएगी बिकॉज पॉलिटिकल सिनेरियो यू नो व्हाट्स हैपनिंग इन द कंट्री व्हाट डू यू एडवाइस टू देम एंड व्हाट्स व्हाट्स योर प्रेडिक्ट अगर आप यंगस्टर होते आई विल बी अ अगर मैं आपसे कहूँगी कि ये ना करें और उसकी वजह ये है कि मेरे बच्चे बाहर हैं और आ, मैं उनको वापस बुला मेरे, मेरा मुँह नहीं उनसे ये कहने का कि वो वापस आए दे कम बैक टू व्हाट व्हाट आर वी गिविंग आ मिडिल क्लास और देखिए ज़बरदस्त ब्रेन ड्रेन है जो हमारे मिडिल क्लास के बच्चे जिनके वालदे लिट अपर मिडिल क्लास मैं कहूँगी जो वालदेन प्रॉपर्टीज़ बेच के और लिटरली पेट काट के अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं वो बच्चे वापस आते हैं और फिर वो यहाँ से चले जाते हैं और फिर वो थोड़ी सी रेमिटेंस भेजते हैं और फिर इन टाइम वो अपने माँ बाप को भी बाहर बुला लेते हैं तो और ये ब्रेन ड्रेन सिक्सटीज में हुआ था पाकिस्तान से और इस वक्त दोबारा हो रहा है कैनेडा इज बिकम अ डेस्टिनेशन फॉर एवरी एजुकेटेड पर्सन सबने अप्लाई किया हुआ है जो ज़्यादा अच्छे पढ़े लिखे वो, वो लोग हैं वो उनको तीन तीन महीने में बुला रहे हैं और वो लोग वहाँ जा रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमारा एक ज़बरदस्त ब्रेन ड्रेन हो रहा है मैंने आपसे पहले भी कहा था हम अपने बच्चों को मुस्तबिल नहीं दिखा पा रहे हमारे बच्चों को अपना मुस्तबिल इस मुल्क में नहीं नजर आता हमने मेरिट को तबाह किया, किया है मेरिट को जबाह किया है हम ये कहते हैं कि आपकी ग्रोथ सिर्फ उस वक्त हो सकती है जब या तो आपके पास पैसा है या आप नेटवर्कड हैं तो जो मैंने पहले बात की थी ना कि अपवर्ड सोशल मोबिलिटी का तरीक़ाकार तालीम था वो वो फ्रेमवर्क को हो रहा है एक तो हमारे यहाँ जो सियासत हुई उसमें हमने आ, अपने मिडिल क्लास बच्चों को तालीम से मुतनाफ़र किया बिलखसूस कराची में ये बहुत बड़ा नुकसान कराची का हुआ कि जो कराची का पढ़ा लिखा बच्चा था वो जब सियासत से जुड़ा तो वो तालीम से दूर हो गया एक तो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ और सिंध इस वक्त तालीम में खासा पीछे बिल्कुल दूसरा बड़ा नुकसान ये हुआ कि जो बच्चे पढ़ जाते हैं वो अपने आप फ्यूचर यहाँ नहीं देखते क्योंकि अगर उनके पास नेटवर्किंग नहीं है अगर उनके पास सिफारिश नहीं है तो फिर उनके पास ग्रोथ का रास्ता नहीं है तो ये जो हमने मेरिट को तबाह किया है ना अब ये सर चढ़ के बोल रहा है

सवाल कंक्लूजन में जो आखिरी रिमार्क्स आप कह सब चले जाएंगे और मेजोरिटी टैलेंट चला जाएगा सो so, आप क्या देख रही हैं पाकिस्तान तकलीफ दे, दे बात कहूंगी आपको अच्छी नहीं लगेगी प्लीज प्लीज अफगानिस्तान का क्या हाल है नबे फीसद जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन है अब अमरीका ने भी अब, अब अबेंडन कर दिया अफगानिस्तान को उनके रडार पे अफगानिस्तान नहीं रहा सारा एजुकेटेड अफगानिस्तान से निकल गया है सोमालिया का क्या हाल है तो ये बहुत तकलीफदेह बात है लेकिन मुझे खौफ आता है कि क्या ये हमारा कल है या हम इसके बारे में कुछ करें थैंक यू सो मच लवली